नमस्कार, मैं हूं रणधीर कुमार और आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। आज नामांकन का तीसरा दिन, पूर्वी चंपारण से सीपीआई के प्रत्याशी प्रभाकर जायसवाल और शिवहर से महागठबंधन के प्रत्याशी सैयद फैसल अली ने किया नामांकन। बेतिया में नामांकन करने पहुंचे वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के 3 प्रत्याशी। ट्रक के चपेट में आई एक महिला, मौके पर मौत। चंपारण में प्रतिभाओं की नहीं है कमी, इंटरनेशनल यूथ सेंटर में शामिल होंगे चंपारण के लाल मुन्ना कुमार। सामूहिक विवाह संपन्न, 13 जोड़ों ने लिए अग्नि के साथ फेरे। चुनाव को लेकर आज पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी प्रभाकर जायसवाल ने आज नामांकन की। लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर 18 अप्रैल का दिन भी मोतिहारी शहर चुनावी सरगर्मियों के नाम रहा। एक तरफ जहां पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रहे प्रभाकर जायसवाल ने अपना नामांकन किया, वहीं शिवहर लोकसभा सीट से चर्चित राजद प्रत्याशी सैयद फैसल अली ने अपना नामांकन किया। 18 अप्रैल के दिन एक बार फिर मोतिहारी शहर की सड़कों पर अलग अलग पार्टियों के झंडे लहराते रहे। नारेबाजी गाजे बाजे से पूरा शहर गूंजता रहा। आज का दिन लाल और हरे झंडे के नाम रहा। एचटीवी न्यूज ने महागठबंधन के शिवहर प्रत्याशी सैयद फैसल अली और कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रभाकर जायसवाल के नामांकन की खास कवरेज की है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रभाकर जायसवाल के नामांकन की कवरेज। नमस्कार, एचटीवी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त सीधी तस्वीरें। प्रभाकर जायसवाल कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, जिनका आज नॉमिनेशन है और नॉमिनेशन के लिए उनका ये काफिला निकला है। इस काफिले के जरिए वो जा रहे हैं। एक खुली जीप पे इस वक्त प्रभाकर जायसवाल खड़े हैं और नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। चारों तरफ यहाँ पे जो दिख रहा है लाल झंडा, पूरे शहर में यहाँ पे नजर आ रहा है इनके काफिले के साथ। आगे में बाजा के साथ जो है ये अपना चुनावी कैंपेन यानी के नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। प्रभाकर जायसवाल जी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं कुछ। एकदम पूरी तरह आश्वस्त है। क्या क्या मुद्दे हैं आपके इस चुनाव में? मुद्दे बाद में बात कर लीजिएगा, अभी तो मुद्दे हैं कि जुलूस लेके जा रहे हैं नॉमिनेशन करने के लिए। हाँ, मुद्दे यही है, सिर्फ एक मुद्दे है। लोगों ने बहुत बार वोट दिया है, इस बार जो है न जात पर न धर्म पर बटन दबेगा, कर्म पर, और कर्म पर बटन दबाकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को विजयी बनाना है। कम्युनिस्ट एक बार फिर से जा गया है प्रभाकर जी, कम्युनिस्ट एक बार फिर से जा गया है। जी जी जी, कम्युनिस्ट जा गया है। कम्युनिस्ट पार्टी के और दूसरे लीडर भी यहाँ पे है, शंभू जी है और दूसरे लीडर भी है। क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव में पूरे धाराओं के बीच है, अमीर और गरीब भी। भाजपा द्वारा 5 साल में किसानों को बर्बाद किया, मोतिहारी का चीनी मिल बंद किया और जटिया चीनी मिल हो गया, किसानों का मुआवजा नहीं। चीनी मिल और हम तमाम तरह के आम होते हैं, जाहिर सी बात है नॉमिनेशन का दिन है और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रभाकर जायसवाल, इसलिए बहुत कुछ है बात करने की कंडीशन में नहीं है। महागठबंधन में जगह नहीं मिलने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार की 2 महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके तहत एक तरफ जहां कम्युनिस्ट पार्टी ने बेगूसराय से देश के बहुचर्चित युवा और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाकर बेगूसराय सीट को देश के मानचित्र पर बेहद खास बना दिया है, वहीं पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से स्पोर्ट्स से जुड़े बड़ी शख्सियत और समाज सेवी प्रभाकर जायसवाल को लड़ाकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पूर्वी चंपारण सीट की लड़ाई को भी बेहद दिलचस्प बना दिया है। प्रभाकर जायसवाल ने अपने नामांकन के दिन यह साबित कर दिया कि उन्हें अंडर एस्टिमेट करने वाले लोग
बड़ी भूल कर रहे हैं। प्रभाकर जायसवाल के नामांकन के दिन कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से स्पोर्ट्स क्लब मोतिहारी में एक जनसभा आयोजित की गई थी। क्षेत्र के तमाम जगहों से लाल झंडे के साथ लोग स्पोर्ट्स क्लब मोतिहारी पहुंच रहे थे। सुबह के वक्त स्पोर्ट्स क्लब के ग्राउंड पर एक जनसभा आयोजित की गई थी। इस अवसर पर प्रदेश और देश के कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ आला नेता भी पहुंचे थे। मंच पर मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी के नेशनल सचिव बालचंद्र कांगो लोगों को संबोधित कर रहे थे। और जो शरीर था वो इनके विचारों के गोडसे ने पहले ही खत्म कर दिया था। उसके अलावा गांधी जी की सोच इनके पास नहीं है, सिर्फ गांधी जी का बचा हुआ चश्मा निकाल के वो वोट मार रहे हैं। इसी बीच एसटीवी न्यूज ने सभा में मौजूद कुछ लोगों से बात की। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से सीपीआई के उम्मीदवार प्रभाकर जायसवाल के जनसभा से। प्रभाकर जायसवाल कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इस बार पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। आज उनका नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन की तैयारियां की जा चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पे रथ है, इस रथ के जरिए वो रवाना होंगे यहां से सीधा कलेक्ट्रेट की तरफ और वो अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। उससे पहले यहाँ पे जनसभा हो रही है। आप देख सकते हैं कि मंच पर जो है सीपीआई के राष्ट्रीय लीडर हैं, बालचंद कांगो इनका नाम है, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं और महाराष्ट्र से ये बड़े नेता हैं सीपीआई के। वो इस वक्त स्पीच दे रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी जो जिस खुशियत के लिए जानी जाती है, गांव गरीब और तमाम तरह के जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लोग होते हैं, कैडर है अपना, लंबे समय तक हाशिए पर रहने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी में एक तरह से एक लंबे समय के बाद कन्हैया कुमार ने जान फूंक दी है। कन्हैया कुमार जब फेम में आए तो वो पूरी तरह से एक कम्युनिस्ट के लिए, कम्युनिस्ट जनों के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि रामबाण लेकर के आए। बेगूसराय से कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं और बिहार की दूसरी सीट पूर्वी चंपारण से यहाँ पर प्रभाकर जायसवाल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तमाम तरह के लोग हैं यहाँ पर, कम्युनिस्ट की एक अपनी अलग पहचान रही है। खास तौर से पूर्वी चंपारण अगर लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर तीन तीन बार कम्युनिस्ट के जो सांसद रहे हैं तो एक गढ़ कहा जा सकता है पूर्वी चंपारण को रहा है। लेकिन फिलहाल इस वक्त अभी की जो हालात है उसमें कम्युनिस्ट बहुत ज्यादा जो है संगठन मजबूत नहीं है। लेकिन एक बार फिर से प्रभाकर जायसवाल एक जो गैप है उसको पूरा करने की कोशिश में यहाँ से किस्मत आजमा रहे हैं। एक विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश है उनकी। खास तौर से जातीय बेसिस पे अगर देखा जाए तो रमा देवी इससे पहले यहाँ के उम्मीदवार नहीं है और जीती भी हैं। तो बैस समुदाय से आते हैं प्रभाकर जायसवाल, स्पोर्ट्स से जुड़े व्यक्तित्व के हैं और उनका खासा प्रभाव है समाज में। इलेक्शन में चुनाव में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन करने आए कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना है उन लोगों का। क्या नाम है आप? संजय जायसवाल। डॉक्टर संजय जायसवाल कहाँ से आए हैं? चंदन जायसवाल कहाँ से आए हैं आप? मोतिहारी से। क्या लगता है इस बार कम्युनिस्ट जो है यहाँ पे पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पे जो है कुछ कर पाएगा? हाँ जरूर आएगा, यहाँ पर इसी तरह से काम कर रहे हैं तो ऐसे हमारे उम्मीद तो है। मंच पर जो है जयकारा लगाया जा रहा है। इस वक्त प्रभाकर जायसवाल अब मूव कर रहे हैं नॉमिनेशन के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है नारेबाजी हो रही है। अब थोड़ी देर में निकलेंगे, शंभू जी हैं कांग्रेस सीपीआई के, कम्युनिस्ट पार्टी के जो है स्थानीय बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर जो है मंच संचालन कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं कम्युनिस्ट पार्टी से, उनसे बात कर लेते हैं जी। क्या नाम है आपका? भूलीलाल। कहाँ से आए हैं? भवानीपुर। क्या लगता है इस बार प्रभाकर जायसवाल जीतेंगे इस क्षेत्र से? जरूर ऐसा है, उम्मीद है आपको? उम्मीद है। कितने सालों से आप कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या हैं आप?
मेरा बाप पीटीआई कॉलेज के लीडर था। हाँ, उस समय से हम लोग उसी, मैंने अपने पूर्वज के जमाने से आप कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, इसलिए कम्युनिस्ट। अब क्या लग रहा है प्रभाकर जायसवाल कुछ कर पाएंगे? जब उनको पावर मिलेगा जरूर करेंगे। जब हाँ, आपका आपका क्या नाम? शंभु साहब। कहाँ से आए हैं? भवानीपुर से। कम्युनिस्ट पार्टी एक बार फिर से मैदान में है, क्या लगता है आपको? हमारा ऐसा सूर्याना विश्वास है जीतेंगे हम। सूर्याना विश्वास? हाँ। क्या कुछ करेंगे? हाँ, बहुत करेंगे। समाज के लिए करेंगे, किसान के लिए करेंगे, मजदूर के लिए करेंगे, उनका त्याग है। हाँ। क्यों जिताना चाहते हैं अपना प्रभाकर जायसवाल को? क्यों जिताना चाहते हैं? अपने सुख स्वार्थक है, किसान के लिए, किसान मजदूर। हाँ, मिल बनाएंगे, ये करेंगे तो हम लोग को किसान बचेगा, जिएगा, रोजी रोटी मिलेगा। आप कहाँ से आए? भवानीपुर से। ठीक है, भवानीपुर। क्यों प्रभाकर जायसवाल को जिताना चाहते हैं? जी जान चाहते हैं, चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? नतीजा यही के लिए। यहाँ पे सभा एक तरह से समाप्त हो गई है और निकलने जा रहे हैं यहाँ से लोग। कुछ और लोग हैं जिनसे बात कर लेते हैं, हम कुछ बोलेंगे। अच्छा, ये कुछ बोलना चाहते हैं, इनकी बात ले लेते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? हम बोलना चाहते हैं कि मोदी सरकार ने आकर मोतिहारी में इतने पैसे को नुकसान करके बिक दिए और मिल को नहीं चला सके, जिसमें किसान को बहुत दुखी है। अपना गाना जो है सो जहाँ तहाँ ले गए थे, बेच करके अपना किसी तरह से सलट पलट किया है, कुछ का जरना हो गया, कुछ नुकसान हो गया, किसान को बहुत हानि पहुँचा है इस चीज को लेकर के। कोई इतना पैसा कौड़ी लाए, 5 साल सरकार चला करके क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पर हम लोग जहाँ जितना छोटे और बड़े हैं, हम लोगों को बहुत दुखी हुआ है। हम लोग रुपया पैसे का बदलाव किए आपने, जिसमें गरीब ने बसिया बांध कर लाइन लाग कर और अपना बच्चे को भूखे मुंह आ करके बासी बासी बांध करके अपने बाल बच्चे को मार दिया। क्या करते हैं आप? हम तो किसान का काम करते हैं, एक छोटा मोटा किसान है हम लोग। किसान में कुछ नहीं मिला है हमको। क्या लगता है आपको प्रभाकर जायसवाल चीनी मिल खुलवा पाएंगे? होता है वो चलवा सको, प्रभाकर जो है सो मिल चलवाने का काम करेंगे, कांग्रेस का मिल चलाने का काम करेंगे। वो सब लोग अपना बात हो रहे हैं। कुछ युवा भी है, कुछ युवा है, बात कर लेते हैं। क्या लगता है कन्हैया कुमार क्याने से जो है कम्युनिस्ट पार्टी का एक बार फिर से परचम बुलंद है? जी एकदम होगा, वो आएंगे तो बदलाव आएगा बिहार में और कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगा उनके आने से। यहाँ पे कन्हैया जो है निष्पक्ष मदद करना चाहते हैं और गरीब का मदद करते हैं, किसान का मददगार है वो, और जो बोलते हैं वो क्लियर बोलते हैं, इसलिए हम लोग को उनसे उम्मीद है, उनके आने से बदलाव होगा, उम्मीद है बदलाव होगा। क्या नाम है आपका? सब सुंदर पासवान। अच्छा, ये बताइए कि प्रभाकर जायसवाल को क्यों जिताना चाह रहे हैं? हम हमारे मोदी के काम करने वाले व्यक्ति हैं, हमारे काम पसंद है, उम्मीद भी चालू कराएंगे। ये कहे थे कि जो हम मोतिहारी में हमारी सरकार बनेगी तो चीनी मिल चालू होगा, लेकिन राधा मोहन सिंह या प्रमोद जी बिहार में सरकार रहा, केंद्र में सरकार रहा, मोदी भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज तक मिल चालू नहीं हुआ। जो मोदी मर गया है, लेकिन आज तक मिल चालू। खासतौर से यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी किसानों की पार्टी कही जाती है, तो किसान जो है खासतौर से यहाँ पे अपने मुद्दे चीनी मिल के मुद्दे को लेकर के आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है पूरा स्पोर्ट्स क्लब का जो बाहरी ग्राउंड है वो भरा हुआ है और काफी बैंड बाजे का भी इंतजाम है। हम कैमरा मैन से बताएंगे कि जो है वो आगे की तस्वीर दिखाएं। यहाँ से एक अलग मंजर है, जीत के दावे के साथ यहाँ पे भी लोग जो है मौजूद हैं और अच्छी खासी तादाद जो है जुटाई है प्रभाकर जायसवाल ने अपने नॉमिनेशन के लिए। और फिलहाल जो ये तस्वीर है स्पोर्ट्स क्लब के मैदान से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी चंद मिनटों में प्रभाकर जायसवाल निकलेंगे यहाँ से और वो जो है इसी गाड़ी पे सवार होकर के अपना नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे। तो अभी यहाँ पे है माइक मंच से नारेबाजी हो रही है, आप देख सकते हैं। आप कन्हैया के भी नाम लिए जा रहे हैं इस जनसभा में। कन्हैया जान सकते हैं आप, पूरे देश में
एक दिल्ली में हुए एक एपिसोड के बाद जो है दिल्ली में, और ऊपर में कुछ स्पोर्ट्स से जुड़े लड़के भी हैं, बच्चियां भी हैं। आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स में प्रभाव है प्रभाकर जायसवाल का, इसलिए प्रभाकर जायसवाल के जो खिलाड़ी हैं उनसे जुड़े हुए वो सब भी उनके नॉमिनेशन में शामिल हो रहे हैं, बच्चे हैं। और स्पोर्ट्स क्लब का ये ग्राउंड है, पूरे उत्साह के साथ लोग यहाँ से कूच कर रहे हैं। आगे की भी तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको किस तरह का इनका जो नॉमिनेशन है उसका, उसमें कितनी भीड़ है और किस तरह से लोग, फिलहाल यहाँ से ये तस्वीरें हैं स्पोर्ट्स क्लब से। स्पोर्ट्स क्लब से प्रभाकर जायसवाल अपने हजारों समर्थकों के साथ छतौनी चौक गांधी चौक होते हुए नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट रवाना हुए। उधर सीहोर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे महागठबंधन के उम्मीदवार सैयद फैसल अली भी सीहोर से अपने हजारों समर्थकों के साथ मोतिहारी पहुंचे। इस अवसर पर होमगार्ड मैदान मोतिहारी में एक जनसभा आयोजित की गई थी। इस दौरान राजद और कांग्रेस के बड़े नेता भी पहुंचे थे। और क्या जीत को लेकर किस तरह से कहना चाहेंगे, क्या आश्वस्त है आप जीत को लेकर? जीत को लेकर के पूर्ण रूप से आश्वस्त है, कोई लड़ाई ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे लड़ाई उस पर है कि एक काम करने वाला और एक निकम्मा, एक जो लोगों को भड़का करके वोट लेने वाला और एक जो लोगों के साथ खड़ा होकर उनके काम करने वाला, लड़ाई कहीं नहीं है। समीकरण अगर आप देखिएगा तो पूरा समीकरण हम लोगों के पक्ष में है, जिनका वोट उनका राज। ये सामाजिक परिवर्तन का समय है, सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, माननीय लालू जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं, और सिर्फ 23 तारीख को सर्टिफिकेट लेना है। जीत तय है, कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, रमा देवी पिछले 10 सालों से यहाँ की सांसद रह चुकी हैं और आप नए हैं अभी यहाँ पे सीहोर में, तो किस तरह महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत प्रेम मिला है मुझे सीहोर का, जिस दिन मैं सीहोर आया उस तरह से जितने लोगों ने मेरा यहाँ स्वागत किया, मेरा मन गदगद हो गया। मुझे लगा ही नहीं कि मैं बाहर से घर लौट रहा हूँ, मुझे लगा कि मैं यहीं का बेटा हूँ और मैं यहीं का बेटा हूँ। और कहीं से भी लोगों ने आज तक, जिस दिन से मैं सीहोर आया हूँ, किसी ने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं पटना से आया हूँ। सीहोर में पूरा स्वागत हो रहा है, इसलिए देखिए दो कारण है, एक तो ये कि हम जिस पार्टी से हैं उसका अपना एक मजबूत किला है सीहोर, दूसरा ये कि जो लोग बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं रमा देवी से, भाजपा के सांसद से, वो लोग खुल करके मेरा साथ दे रहे हैं। 10 साल में सीहोर पिछड़ा है, एक पिछड़ा जिला और पिछड़ा हुआ है। अच्छा, जब शुरुआती दिनों में जब आपको टिकट मिला तो उस समय यहाँ के जो स्थानीय नेता लोग थे उन लोगों का कहना था कि आप बाहरी हैं, बाहर से आए हैं, तो अभी आप जब आ गए हैं और पूर्ण तरह से आपने आज नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया, तो क्या क्या कैसा लोगों से कैसा सहयोग? लोगों को देखिए, लोगों को, ये सारे यहीं के हैं, हम भी यहीं के, कोई बाहर का नहीं हूँ मैं, तो सहयोग मिल रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है। जीत के जाऊंगा और यहीं बसना है, यहाँ के लोगों के सुख दुख में साथ देना है और उनके सुख दुख को हरना है। अच्छा, अगर जनता आप पे विश्वास करती है, आपको सांसद बनाती है, अगर जीत दिलाती है, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मेरी प्राथमिकता, मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि मेरी प्राथमिकता होगी सीहोर। मेरी प्राथमिकता कोई राष्ट्रीय राजनीति नहीं है, मैं 30 साल से पत्रकार हूँ, मैंने देखा है कि किस तरह से भोले भाले मतदाताओं को फैला कर फुसला करके उनका मत लिया जाता है और राज किया जाता है। नहीं, मैं मत मांगूंगा, मैं वोट मांगूंगा यहाँ के मुद्दों पर। गौरियाघाट का पुल क्यों नहीं बना, वो मेरा मुद्दा होगा। ट्रेनिंग कॉलेज क्यों नहीं बन रहा है, वो मेरा मुद्दा होगा। सीहोर में ट्रेन क्यों नहीं आ पा रही है, सीहोर वासियों को किस षड्यंत्र के तहत रेलवे लाइन से दूर रखा गया है, ये मेरा मुद्दा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 23 तारीख को जब मैं सर्टिफिकेट लेके जाऊँगा, 2 साल के अंदर ये दोनों पुल मैं बनवाने का वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा इसका प्रण कर रहा हूँ। आज नामांकन के तीसरे दिन जहाँ पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से नामांकन की संख्या शून्य रही, वहीं वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र से 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। बेतिया में आज महागठबंधन प्रत्याशी कांग्रेस से शाश्वत केदार पांडे ने अपना नामांकन दाखिल किया। इनके अलावे जनहित किसान पार्टी से चौरसिया एम कुमार तथा भारतीय जन क्रांति दल से पंकज कुमार सिंह ने नामांकन दाखिल किया। खबरें अभी बाकी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। लिबर्टी शू पैलेस, गांधी चौक मोतिहारी, 30 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। मल्टी और बड़े ब्रांड के जूते चप्पलों का मोतिहारी में एकमात्र शोरूम।
लिबर्टी, वुडलैंड, रेड चीफ, नाइकी, एसिक्स, रिबॉक, एडिडास, कैंपस, हिट्स, फ्यूरो, इगोस, वेलेंटिनो, रैंगलर, पैरागोन, स्पार्क्स, सुबर्ड, फ्रेंजी, फेमिना जैसे ब्रांडों की एक्सक्लूसिव रेंज। लिबर्टी शू पैलेस, गांधी चौक, मोतिहारी। Provided me so many opportunities to prove myself. We are happy to say that all the parents of our students are very happy with their child's progress, and they feel so proud when their child says, "I am a mom again. I am a mom again." रहमानिया मेडिकल सेंटर, एमएलटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मोतिहारी। विश्व की नवीनतम टेक्नोलॉजी से लैस उत्तर बिहार का एक विश्वसनीय हॉस्पिटल, आरएमसी एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इंस्टीट्यूट। यहाँ होती है हर्निया, पाइल्स, यूट्रस, गॉल ब्लैडर, किडनी या हर प्रकार के एडवांस सर्जरी। एडवांस आईसीयू मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजी, कार्डियक यूनिट, मैग्जिलोफेशियल, फिजियोथेरापी, ईएनटी, न्यूरोसर्जरी, लिवर एवं गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के साथ डायलिसिस, ब्लड बैंक, मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, इको एवं यूएसजी जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम। रहमानिया मेडिकल सेंटर, बरियारपुर, मोतिहारी, प्राइड ऑफ बिहार। SkyElse, contact for high speed internet for domestic and commercial use in Motihari. WhatsApp 7903812143 and call 7004190181. Address Hadi Bhandar Road, Motihari. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पश्चिमी चंपारण के नौतन थाना क्षेत्र के संसैया गांव में आज सुबह ट्रक के चपेट में आने से एक महिला की मौत घटनास्थल पर हो गई। मृत महिला गोपालगंज जिला के बहजिला निवासी आजाद अहमद की पत्नी सुरसमा खातून बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने ट्रक को पकड़ लिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने रचनात्मक कार्य एवं सोच के बदौलत चंपारण के लाल मुन्ना कुमार को एक बार फिर इंटरनेशनल यूथ सेंटर मलेशिया में अतिथि वक्ता के रूप में शामिल होने का आमंत्रण प्राप्त हुआ है। सम्मेलन का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स मलेशिया एवं मलेशियन यूथ काउंसिल द्वारा 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विश्व के अनेक देशों से 100 युवा प्रतिनिधि भाग लेंगे। मलेशिया गवर्नमेंट द्वारा जो मुझे बुलाया गया है, मैं तो खुशी हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मेरे साथ जो साथी लोग हैं उनको भी काफी खुशी है। और एक बेतिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे दो दो डॉक्टर प्रत्याशियों को इंजीनियर शाहिद अनवर कड़ी टक्कर देंगे। बहुजन आजाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे शाहिद अनवर ने बेतिया के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं लड़ रहा हूँ यहाँ IIT इंजीनियर्स द्वारा एक बनाई हुई पार्टी जिसका नाम है बहुजन आजाद पार्टी। बहुजनों की आजादी चाहिए हमें, दबे कुचलों की आज़ादी चाहिए, उन लोगों की आवाज़ है। और हमारा उद्देश्य है इन राक्षसों से हमारी आज़ादी, जो कि यहाँ बेतिया के तंत्र पे, पश्चिम चंपारण लोकसभा के तंत्र पे ये लोग बैठे हुए हैं। और ये राक्षसनुमा ये लोग मेडिकल के माफिया हैं, शिक्षा के माफिया हैं, ये लोग इतने बृहत रूप से इतने बड़े बरगद हो गए हैं कि इनको उखाड़ना बहुत जरूरी है। साथियों, बेतिया के एक होटल में NDA के तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान रालोसपा के बागी सीतामढ़ी के सांसद राम कुमार शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, असल में टिकट बेचवा नेता के रूप में साबित हो गया है और पूरे देश में लगातार जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। आप देख करके आश्चर्यचकित होंगे कि उनके पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नागमणि जी छोड़ दिए, भगवान सिंह कुशवाहा छोड़ दिए, हम सांसद थे तो हट गए, दशाई चौधरी जो पूर्व मंत्री थे वो हट गए,
प्रधान महासचिव राम बिहारी सिंह थे वो हट गए, नचिकेता मंडल जी हट गए, मैं किनकी नाम किनके किनका नाम बताऊं, सभी लोगों ने उनको छोड़ दिया। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत लखौड़ा सेवा समिति के तत्वाधान में शिव मंदिर के प्रांगण में सामूहिक विवाह व निकाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में कुल 13 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे और 7 जन्मों तक एक दूजे का साथ निभाने की कसमें खाई। आज मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के रतनमाल पंचायत स्थित वार्ड नंबर 11 निवासी हेमंत मिश्रा के दरवाजे पर रहमानी SP गैस ग्रामीण वितरक का उद्घाटन गैस कनेक्शन सहित चूल्हा व सिलेंडर प्रदान किया गया। इस मौके पर प्रोप्राइटर साहिना बानो ने बताया कि सरकार के निर्देश के आलोक में यह सभी कनेक्शन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 100 लाभार्थियों को जरूरी कागजात लेकर गैस कनेक्शन दे दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर बिहार से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए HTV न्यूज। नमस्कार।